जय माँ भवानी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। अगर आप लोग नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर यहाँ जो ये ऐसा लाल बटन दिखाई देगा उसे दबा दें, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। उसके बाद में वहाँ पे बेल आइकन यानी कि घंटी दिखाई देगी, उसे भी दबा दें। इससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज की हमारी कहानी है भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म गुजरात के अरिलवाड़ा नामक स्थान पर दिनांक 7 जून 1166 ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी विक्रम संवत 1223 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, जो कि अजमेर के सम्राट थे, और उनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वीराज चौहान कई राजाओं को उनका घमंड चूर करके उन्हें जीतकर दिल्ली का सम्राट बनेगा। जब पृथ्वीराज चौहान केवल 11 वर्ष के थे तब उनके पिता सोमेश्वर दत्त का देहांत हो गया था, इसलिए उन्हें 14 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी पर बिठा दिया गया। पृथ्वीराज चौहान बाल्यावस्था में ही साहसी और बहुत बहादुर थे। इतिहास में उल्लेख है कि एक बार पृथ्वीराज चौहान का सामना एक आदमखोर शेर से हो गया था। और उसके बाद जो हुआ वो नजारा बहुत ही खतरनाक था। पृथ्वीराज ने शेर को दो हिस्सों में चीर दिया। पृथ्वीराज की आयु बढ़ने के साथ साथ साम्राज्य का भी विस्तार होता गया और आखिर में कई युद्धों के बाद पृथ्वीराज का दिल्ली पर एक छत्र राज हो गया। कन्नौज में जयचंद गहड़वाल का शासन था और उनकी बेटी संयोगिता, जो अत्यंत ही खूबसूरत थी, उससे पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हो गया और वह भी पृथ्वीराज चौहान से अत्यंत प्यार करती थी। लेकिन जयचंद पृथ्वीराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने संयोगिता को साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हारा विवाह पृथ्वीराज से हरगिज नहीं होगा। इस कारण पृथ्वीराज ने संयोगिता का हरण कर लिया और उससे विवाह कर लिया। तब से जयचंद गहड़वाल पृथ्वीराज से शत्रुता रखने लगा। जयचंद गहड़वाल पृथ्वीराज से जलने लगा और उससे बदला लेने की योजनाएं बनाने लगा। उसने काबुल के शासक मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए गुजारिश की। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को पहले से ही अपना शत्रु मानता था, क्योंकि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी के कुछ शत्रुओं को शरण दी थी। इसी कारण से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में गोरी बुरी तरह पराजित हुआ। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 16 बार युद्ध हुआ और हर बार मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा। फिर हुआ तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज ने एक बार फिर मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया और यह 17वीं बार था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार जीवन दान दिया। इसे कई इतिहासकार पृथ्वीराज की भूल या गलती कहते हैं, लेकिन मैं इसे गलती नहीं कहूंगा। मैं इसे एक राजपूत योद्धा की उदारता कहूंगा, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राजपूत ने अपने शत्रु को जीवन दान दिया है। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं, ऐसे ही और कई वीर हुए हैं जिन्होंने शत्रु को जीवन दान दिया हो। शायद इसी वजह से राजपूत योद्धा पूरी दुनिया में सबसे अलग है। फिर मोहम्मद गोरी ने सोचा कि सीधे युद्ध में तो मैं पृथ्वीराज को 7 जन्म लेके भी नहीं हरा सकता, इसके लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। और फिर उस नीच ने एक कपटी चाल चली। उसने पृथ्वीराज को एक संदेश भिजवाया जिसमें कहा कि मैं हार मान गया हूँ और अपने सैनिकों के साथ वापस काबुल जा रहा हूँ। रात के समय में वह अपने सैनिकों के साथ मसाले लेकर जंगल की ओर चल दिया। पृथ्वीराज ने देखा मसाले जा रही है तो पृथ्वीराज ने सोचा कि सचमुच चला गया, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर गोरी ने सारे मसाले बुझा दी और अंधेरे में ही वापस आ गया। जब सभी राजपूत निसंदेह होकर सो रहे थे
तो उसने अचानक से हमला कर दिया। राजपूतों को संभलने का भी मौका नहीं मिला, पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। जिस राजपूत ने मोहम्मद गोरी को 17 बार जीवन दान दिया, उसने पृथ्वीराज को 1 बार भी मुक्त नहीं किया। ऊपर से गोरी ने निर्दयता दिखाते हुए पृथ्वीराज की दोनों आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डालकर उसकी दोनों आंखें निकलवा ली। उसे कारागार में डाल दिया। पृथ्वीराज का एक मित्र भी था, नाम था चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज की पूरी जीवनी लिखी हुई थी। कहा जाता है कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज का जन्म भी एक ही दिन हुआ था और मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने शुरू की थी, लेकिन खत्म चंद्रबरदाई के पुत्र ने की थी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज से मिलने मोहम्मद गोरी के दरबार में जा पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मित्र से मिलने दिया जाए। बादशाह गोरी ने पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया। पृथ्वीराज की दोनों आंखें फूटी हुई थी और जंजीरों से जकड़े हुए थे। ये देखकर चंद्रबरदाई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो खून का घूंट पीकर रह गया। उसने सुल्तान से एक चाल चलते हुए कहा कि मेरे महाराज की आपने आंखें तो निकाल ली, लेकिन मेरे महाराज जो शब्द वेदी बाण चलाने की उनकी जो कला है ना, उसकी बराबरी तुम्हारे दरबार में से कोई नहीं कर सकता। बादशाह ने जब ये सब सुना तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम देखेंगे। और उन्होंने दरबार के अंदर 7 लोहे के तवे लटकाए और कहा कि तुम्हारे महाराज में इतनी ही कला अद्भुत है, तो इन तवों को भेद कर दिखाए। दरबार में तवे लटकाए गए। दरबार खचाखच भरा हुआ था। गोरी ने शुरू करने का आदेश दिया। पृथ्वीराज को धनुष बाण पकड़ा दिया गया और चंद्रबरदाई ने उनकी गाथाओं का गुणगान करते हुए ये पंक्तियां कही। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान। मतलब 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल की ऊंचाई पर सुल्तान बैठा है, इसलिए चौहान बिना चूके सीधा निशाना गोरी को लगना चाहिए। पृथ्वीराज ने सही ऊंचाई का ज्ञान करके बाण चलाया। तीर सीधा गले में जा लगा। गोरी लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा और ढेर हो गया। दरबार में चारों ओर भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को कटार मार दी ताकि वो शत्रु के हाथों पकड़े न जा सके। वाह रे वीर सपूत, गोरी जीत कर भी हार गया और तू हार कर भी जीत गया। सत सत नमन है पृथ्वीराज जैसे वीर के चरणों में। दोस्तों, ये थी एक महान योद्धा की कहानी, जो मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक फेसबुक व्हाट्सएप से शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे नए वीडियो जो मैं लाता रहूंगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय मां भवानी, जय राजपूताना।